देखा बालक, कैसे घेर लिया तुम्हारे अग्रज को मेरे योद्धाओं ने। संपूर्ण सेना का संहार करेगा। मेरा कोई वारिस पर सफल क्यों नहीं हो रहा? इस दुष्ट बालक को पराजित करने का कोई उपाय ढूंढना ही होगा मुझे। चिंता मत करो बालक, मेरा सबसे शक्तिशाली शस्त्र अभी शेष है। प्रतिरूप, शीघ्र अंत करो इस बालक का। अनिष्ट कर रहा है, गजानन को शीघ्र ही कोई उपाय कर इस अग्नि को शांत करना होगा। अन्यथा समस्त सृष्टि समाप्त हो जाएगी। बालक, तुम्हारा भाग्य उलट रहा है, क्योंकि अब तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकेगा। Oh.
कर रहा है ये बालक? कहीं भय के कारण इसकी बुद्धि तो नहीं फिर गई? अब तुम्हारी किसी भी प्रार्थना का कोई लाभ नहीं होगा तुम्हें बालक। ये क्या है? जय गणराजा नमामि देवा, सुधरता स्वामी। जय गणराजा नमामि देवा, अंतर्यामी। जय गणराजा नमामि देवा, हरो सब देव हमारे। जय गणराजा, प्रतीक्षा नहीं, वार करो, अंत करो इस बालक का। जब हमारे जय गणराजा नमामि देवा। पीछे क्यों मुड़ गए? मेरा आदेश नहीं सुना क्या? ये क्या? ये तो मुझ पर ही आक्रमण करने वाला है। मेरा पुत्र तो उस शक्तिशाली यंत्र का प्रयोग कर रहा है जो शत्रु के मस्तिष्क को नियंत्रित कर उसे अपनी ही शक्ति का विरोध करने के लिए विवश कर देता है। ओह, समझ गया। तो इस बालक ने मेरे अग्नि असुर की बुद्धि को अपने नियंत्रण में कर लिया है। मेरी ज्वाला को आहुति चाहिए। अरे ये तो मुझे ही भस्म कर देगा, उसके पूर्व से रुक नहीं होगा। विस्फोट से मुझे तो क्षति पहुंची, किंतु इसे कुछ भी नहीं हुआ। बस अभी क्रीड़ा समाप्त करने का समय आ गया है। अब मैं आपको पाठ सिखाऊंगा सिंदूरा। की सभी सीमाएं पार कर चुके हैं सिंदूरा, और अब आपको उसका दंड मिलेगा। कह
कैसे न राक्षस गजानन से हारे। अष्ट महारूप महागणपति पधारे, क्रोध आठों महारूप आनन पे जागा, होके भयाक्रांत सिंदूरा भागा। क्या हुआ स्वामी, क्या गजानन ने सिंदूरा को दंडित कर दिया? मेरा मन क्यों विचलित हो रहा है? माता, माता मुझे रक्षित कीजिए, माता मुझे बचाइए, पिताश्री मेरी रक्षा कीजिए। यदि मैं चाहूं तो इसी क्षण आप दोनों का अंत कर सकता हूं। सिंदूरा, किंतु ये ब्रह्मलोक में क्या कर रहा है? माता, माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मेरी, रक्षा कीजिए माता, माता अपने पुत्र की रक्षा कीजिए माता, माता मुझे उस गजानन से बचाइए माता, माता मुझ पर विश्वास करें, मैंने ऐसे कोई कार्य नहीं किया, किंतु आज आपका पुत्र आपसे क्षमा की भिक्षा मांगता है माता, माता मेरी रक्षा कीजिए माता। पिताश्री, आपके पुत्र के रूप में जन्म लेने का सौभाग्य मैंने अपने अहंकार में मिटा दिया, इतना भीषण अपराध कर बैठा मैं, किंतु आपने मुझे सुधरने का अवसर दिए बिना मुझे शाप देकर असुर बना दिया। अब तुमने अपने दुष्कृत्यों की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। जगत जननी देवी पार्वती को कुदृष्टि से देखने का दुस्साहस किया तुमने, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, अपनी दिव्यता खोकर तुम असुर बन जाओगे। उचित किया था, जिनसे मुझे जीवन मिला उन्हीं के जीवन को हारने का प्रयत्न करने की नीचता जो की थी उसका दंड तो मुझे अवश्य भुगतना ही था। अनेकों पाप किए, आपका अनादर किया, किंतु माँ नीच से नीच पापी को सुधरने का एक अवसर अवश्य प्राप्त होता है, क्या क्या ये अवसर आप अपने पुत्र को नहीं देंगी? माँ मुझे अच्छा और योग्य पुत्र बनने का एक अवसर दीजिए माँ, मैं वचन देता हूँ माँ, आपकी दी हुई शक्तियों का मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा, मैं सुधर जाऊंगा माँ, मेरी रक्षा कीजिए माँ, मेरी रक्षा कीजिए। पिताश्री, दोष तो सभी में होते हैं, निष्पाप और निर्दोष तो एकमात्र परमात्मा ही है, माँ माँ मेरी रक्षा कीजिए माँ। उचित है, मेरी प्रार्थना टुकराने का आपका निर्णय स्वीकार है मुझे, मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने अपने पापों से अपने माता पिता को ही दुखी किया, जो स्वयं ईश्वर है, कदाचित इसीलिए मुझे पश्चाताप करने का अवसर नहीं मिलेगा। कीजिए माँ, माँ, माँ,
प्रणाम फूफा जी। कल्याण हो पुत्र। प्रणाम बुआ जी। अरे आप यहाँ आ गए सुर जी, मैं तो आपको वहाँ ढूंढ रहा था। पुत्र गजानन अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है, मेरा पुत्र सिंधुरा। अच्छे और बुरे गुण तो प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं। आज से पूर्व मेरे पुत्र ने केवल अपनी बुराइयों का परिचय दिया, किंतु आज जब उसमें अच्छाई जागृत हुई है, उसने अपना अपराध स्वीकार कर क्षमा याचना की है, तो हमें उसे क्षमा कर उसे सुधरने का एक अवसर देना चाहिए। बुआ जी, आपके आदेश और आपके अपने पुत्र पर विश्वास को स्वीकार करना ही मेरा धर्म है। मैं सिंदूरा जी को क्षमा करता हूँ। मेरी रक्षा करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद माँ, कोटि कोटि धन्यवाद। माँ का हृदय तो बहुत विशाल होता है। उनके अपार स्नेह के सागर में डूबकर संतान का उद्धार होता है। बालक भगवान को रिझाती माता, बहियों के झूले में झुलाती माता। माँ का सम्मान संतान का सबसे बड़ा धर्म है। अपने आशीष का मोदक खिलाते प्रथम देवता जग में उसे बनाती हो, प्रथम देवता जग में उसे बनाती। इस बात को कभी मत भूलिएगा सिंदूरा जी। अब यहाँ मेरा कार्य संपन्न हुआ तो मुझे भी अपनी माँ के पास कैलाश लौटने की अनुमति दीजिए बुआ जी। प्रणाम। प्रणाम फूफा जी। चिंता मत करो पुत्र, अब तुम सुरक्षित हो। संकटों को तुम्हारा स्पर्श भी नहीं करने दूंगी मैं। प्रार्थना और तप रूपी प्राश्चित से तुम अपना जीवन सवार लोगे पुत्र। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी, सब कुछ सिखाऊंगी तुम। जाओ पुत्र, तपस्या के साथ अपना प्राश्चित आरंभ करो। हाँ माँ, वो तो मैं यहीं पर प्रारंभ करता हूँ। क्या पुत्र? माँ, तब तो अवश्य करूंगा मैं, किंतु उससे पूर्व क्या पुनः आप मुझे वो वरदान दे सकती हैं? वरदान पुत्र? हाँ माँ, वही दूसरों की बुद्धि और विचारों को अपने वश में करने का वरदान। पुत्र, यदि तुम तब प्रारंभ करने जा रहे हो तो तुम्हें किसी की बुद्धि को वश में करने की क्या आवश्यकता है? बस, बस, बस।